नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक पुरानी वीडियो के बारे में ही बताने के लिए दोबारे से आया हूँ। वो वीडियो जो हमने बनाया था उसके बाद में मतलब कमेंटों की लाइन लग गई थी मेरे पास में, और लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मोचा तूफान जिसके बारे में बात करी थी हमने, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा के बारे में मैंने बताया था, तो उसके अंदर कि कभी कोई तबाही नहीं होगी, लेकिन आज तक की डेट का सबसे खतरनाक तूफानों में से जाने वाला तूफान मोचा कहलाया जा रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सुरक्षित रहे, ईश्वर की कृपा है, प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा है, श्री माधव की कृपा है कि वो उसमें कोई भी घटना ऐसी नहीं घटित हुई। लेकिन जो मोचा ने अपना रास्ता बदला तो बंगाल के ऊपर उसने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। हजारों लोगों को ये कहिए घर से बेघर कर दिया है, बहुत सारे लोगों को मौत का सामना करना पड़ा है। इस दौरान मेरे पास में मिस्टर प्रकाश जी ने एक वीडियो मेरे को भेजी थी व्हाट्सएप के ऊपर, जिस वीडियो के अंदर ये बोला गया था कि इस तूफान के बारे में भविष्य मालिका के अंदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और इसका भारत के साथ में कोई भी चलन नहीं होगा। और आज उन्होंने दोबारे मेरे को वही वीडियो मिली, मैं उनका शुक्रिया गुजार करूँगा, शुक्रिया अदा भी करूँगा इस बात के लिए। और उन्होंने जो कमेंट किया मेरे को, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस बात को समझा। दोस्त, भविष्य मालिका के अंदर जो भारत के रिलेटिवली बात की जाती है उसमें वो अखंड भारत का स्वरूप देखा जाता है जो कभी हुआ करता था। हमारे भविष्य पुराण के अंदर भी अखंड भारत के बारे में बात की जाती है। हिंद के नाम से जाने जाने वाला ये देश जो पूरा कभी एक हुआ करता था, उसके बाद में ये कहिए सत्ता परिवर्तन हुई, बहुत सारी हुई, भारत के टुकड़े हुए, तो इस वजह से इसका स्वरूप अलग हुआ। बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, नेपाल भारत का हिस्सा हुआ करता था, श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था, बहुत सारी जगह जो अब देश में अपने आप बदल गई हैं लेकिन वो भारत का हिस्सा हुआ करती थी, और ये अखंड भारत के रूप को माना जाता था। और आने वाले टाइम में उस सनातन पद्धति के अंदर भारत का वो ही अखंड भारत का रूप तैयार हो रहा है। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ में ये बात बोलता हूँ कि अखंड भारत के ऊपर कोई ना कोई विपदा दिखाई दे रही है, तो वो स्वरूप अखंड भारत का होता है। वो हिस्सा जो आज के नए मैपों के अंदर नहीं दिखाया जाता, लेकिन वही हिस्सा हमारे साहित्य और पुराणों के अंदर उसकी परिभाषा वही होती है। तो दोस्तों, आज उस वीडियो के अंदर दोबारे से ये बात बोली गई कि भविष्य मालिका ने उनको नाश करने के लिए इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ये तूफान बहुत बड़ी त्रासदी मचाएगा, तबाही मचाएगा। तो जब पहले भविष्य मालिका में उसका जिक्र नहीं था, जिसका खंडन किया जा रहा था, तो अब वो बात निकल के कैसे आ गई भविष्य मालिका से। तो दोस्तों, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, कोई बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, हर कोई भविष्य मालिका इतना ज़्यादा उलझा हुआ ग्रंथ है, इतना ज़्यादा उलझा हुआ ये कहिए कि उसमें भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिसको समझना, अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसकी ये कहिए गणना करना, तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब वो गणना होके सामने निकल के आती है, तो जब लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मेरे भाई, ये सारी बातें सोचने से पहले, विचार करने से पहले आप उस गणना को करना सीखें, आप समझिए। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो उस चीज़ को जाने, अगर आप नहीं करते तो किसी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, चाहे वो मैं ही हुआ, चाहे वो अन्य कोई भी व्यक्ति हुआ जिसकी वीडियोस आप मेरे को भेजते हैं, आप मेरे को देखते हो, मैं कभी कभी देख पाता हूँ, कभी कभी नहीं देख पाता, लेकिन आज उन्होंने ये बात दोबारे से साबित कर दी कि भविष्य मालिका के अंदर इस बात का जिक्र हुआ था। तो तूफान धरातल से टकराने से पहले ही 270 किलोमीटर के वेग में आ गया था। मैंने 230 से 240 किलोमीटर की बात की गई थी, और ये देखिए 270 किलोमीटर की ऊंचाइयों पे छू गया था। तो आने वाले समय के अंदर, बंगाल की खाड़ी के बारे में बताया था, हिंद महासागर के बारे में बताया था, हिंद महासागर वो केंद्र बन चुका है जहाँ से अब तूफानों का आने का सिलसिला, उठने का सिलसिला शुरू होगा, और हो चुका है ऑलरेडी शुरू। तो ये बात समझिए,
बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक होनी है। युग परिवर्तन कभी भी एक ऐसा परिवर्तन नहीं होता कि आज हम इस कमरे से निकले और दूसरे कमरे में घुस गए तो वो सीधा कलयुग से निकल के सतयुग में चले गए। दोस्त, ये कलयुग का समय है, इसमें पाप अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और अभी मध्यांतर में जो समय आएगा युग परिवर्तन का, उसके अंदर मनुष्य को सुधरने का, समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद में फिर से बहुत ही भयानक युग आने वाला है और ये युग तो कुछ भी नहीं है उस युग के सामने। तो सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए, आने वाले प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, अपनी नई पीढ़ियों को समझा के कार्य करना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ ना, अपने अपने परिवार को बचा के रखने का, उसका मतलब ये नहीं होता कि उठाओ सुरक्षित हो घर में छुप जाओ, उसका मतलब ये होता है अपनी नई पीढ़ियों को समझाएं आने वाले समय के अंदर परिवर्तन किस रूप रेखा में जा रहा है, उस परिवर्तन को होने से पहले रोकें। यही प्रयास है और यही हम लोगों का कार्य है। हम लोगों के माध्यम से ही प्रकृति का स्वरूप बदलेगा और हम लोगों के माध्यम से ही प्रकृति भव्य भयानक स्वरूप के अंदर आएगी। तो प्रकृति का सुंदर स्वरूप बदलना है या भव्य भयानक स्वरूप बदलना है, ये दोनों ही बातें हमारे और इन अपने अपने हर किसी के हाथ में हैं। तो दोस्तों, जानो समझो। आज की वीडियो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे आज की वीडियो के ऊपर, बहुत लोग अच्छी बात भी करेंगे। और एकल शक्ति चैनल के ऊपर मैंने एक नया फैसला लिया है। लोगों ने मेरे को बोला कि उस पर पहले बोला था कि आपकी भारतीय ब्लॉगर की वीडियोस हम नहीं देख पाते, बहुत लोग नहीं जुड़े हुए, तो सेम रिपीटेड वीडियोज़ डालने को बोला था, तो मैं सेम रिपीटेड वीडियोज़ डाल रहा था उसके ऊपर। अब एकल शक्ति के ऊपर आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद में केवल और केवल ये कहिए कि जो तथ्य होते हैं इस पूरे विश्व के अंदर, उन तथ्य के ऊपर ही वीडियो आया करेगी। उस चैनल को पूर्ण रूप से बदलने का काम कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से उसकी वीडियोस चेंज करने का कार्य कर रहा हूँ, केवल और केवल नए तथ्यों के ऊपर, इस दुनिया के अंदर क्या घटना है, क्या रोचक तथ्य जिसको कहते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया करूँगा और उसी के ऊपर वीडियोज आएंगी एकल शक्ति चैनल के ऊपर। तो कोई भी रिपीटेड वीडियो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो, कोई भी घटनाक्रम से रिलेटेड वीडियो जो भी है वो भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर आएंगी। बाकी रोचक तथ्य एंजॉय कीजिए, देखिए उस चैनल को, मजे कीजिए, केवल यही है। आप लोगों ने जैसा बोला मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा, तो रोचक तथ्य प्रमाण के साथ में, ताकि आप उनको बुक्स में भी फाइंड आउट कर पाएँ, आप उनको नेट पे भी फाइंड आउट कर पाएँ और आप लोगों की नॉलेज भी बढ़े, यंग यूथ भी आगे बढ़े हमारा। तो एकल शक्ति के स्वरूप को बदलने का कार्य कर रहे हैं, 15 दिन के बाद में उसके ऊपर उसी हिसाब से वीडियो आएंगी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, डरो नहीं, दुनिया ख़त्म कभी नहीं होती, युग में परिवर्तन होता है। और अगर आपने इतने बड़े बड़े पाप करें कि आपको ये लग रहा है कि आप भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं दोस्त। मेरे को ये लगता है कि मैं सारे कार्य अच्छे कर रहा हूँ, अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे को पूर्ण रूप से यकीन है कि मैं आगे बढ़ूँगा, नए युग परिवर्तन को देखूँगा। तो जिन लोगों को यकीन है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्हें अपने आप पे यकीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, आप ही के अपने चैनल के ऊपर।